मुंबई इंडियंस की टीम का आईपीएल 2022 का सीजन काफ़ी ख़राब रहा था और मुंबई इंडियंस की टीम अपने कोचिंग स्टाफ में हमें काफ़ी बड़े बदलाव करते हुए देख सकती है। और मुंबई इंडियंस की टीम को फील्डिंग कोच की भी नीड है और एमआई की टीम ने ऐसे 2 से 3 खिलाड़ी है जिन्हें कि एमआई की टीम ने अप्रोच किया है, जो कि काफ़ी पुराने खिलाड़ी और उनकी काफ़ी फील्डिंग अच्छी रहा करती थी एक ज़माने में। और मुंबई इंडियंस की टीम ने एक फील्डिंग कोच के तौर पर प्रपोजल दिया है, तो अब देखना होगा कि वो खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी हो प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं या फिर नया एमआई की टीम के फील्डिंग कोच के लिए। तो उन सारे खिलाड़ियों के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिन्हें कि एमआई की टीम ने अपने फील्डिंग कोच के तौर पर अप्रोच किया है। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास कराई पर जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले पूर्व खिलाड़ी की जिसे मुंबई इंडियंस की टीम ने काफ़ी सारे पैसे ऑफर किए हैं एमआई की टीम का फील्डिंग कोच बनने के लिए। उस खिलाड़ी का नाम है जॉन्टी रूट। दोस्तों जॉन्टी रूट्स का एमआई की टीम के साथ में काफ़ी गहरा रिश्ता है और जो अभी आईपीएल 2022 के सीजन में मैच हुआ मुंबई और पंजाब की टीम का, उसमें जॉन्टी रूट सचिन तेंदुलकर के पैर भी छूते हुए नजर आए थे। तो इससे पता चलता है कि एमआई की टीम जॉन्टी रूट्स को अपनी टीम में हमें शामिल करते हुए देख सकती है। जहाँ दोस्तों अगर एमआई की टीम ज़्यादा फोर्स करती है जॉन्टी रूट्स के ऊपर और अगर अच्छा खासा प्रपोजल दे देती है जॉन्टी रूट्स को, तो हमें जॉन्टी रूट्स एमआई की टीम के फील्डिंग कोच बनते हुए दिखने वाले हैं। और जो पंजाब की टीम का और जॉन्टी रूट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी खत्म हो चुका है और काफ़ी सारे चांसेस बन चुके हैं कि जॉन्टी रूट्स हमें अब एमआई की टीम के कोचिंग स्टाफ में दिखने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को जॉन्टी रूट्स को अपना टीम का फील्डिंग कोच बनाना चाहिए या फिर नहीं आईपीएल 2023 के सीजन के लिए? तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बात लेते दूसरे पूर्व खिलाड़ी की। उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद कैफ जिया। दोस्तों मोहम्मद कैफ भी एक जमाना था जब काफी अच्छी फील्डिंग करते थे और अभी भी जब कमेंट्री करते हैं तो खिलाड़ियों को अपने फील्डिंग के लिए टिप्स देते नजर आते हैं। तो मुंबई इंडियंस की टीम ने मोहम्मद कैफ जैसे एक इंडियन खिलाड़ी को भी अप्रोच किया है एमआई की टीम की कोचिंग के लिए और देखना होगा कि मोहम्मद कैफ भी हमें अब मुंबई इंडियंस की टीम में नजर आते हैं या फिर नहीं। हालांकि इतने चांसेस तो नहीं है कि मोहम्मद कैफ एमआई की टीम में हमें दिखे आईपीएल 2023 के सीजन में, क्योंकि डीसी की टीम का भी हिस्सा थे। अब डीसी की टीम से भी बाहर हो चुके हैं और भी हमें कमेंट्री करते हुए मोहम्मद कैफ नजर आ रहे हैं। अगर मुंबई इंडियंस की टीम अगर मोहम्मद कैफ को अपना फील्डिंग कोच बना लेती है तो इसे काफी बेनिफिट होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को अपने फील्डिंग कोच के तौर पर किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए, किस पूर्व खिलाड़ी को अपनी टीम का फील्डिंग कोच बनाना चाहिए? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हेड कोच की बात की जाए तो एमआई की टीम के हेड कोच अभी महिला जयवर्धन है और महिला जयवर्धन का भी 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें आईपीएल 2023 के सीजन में एमआई की टीम के हेड कोच महिला जयवर्धन ही दिखने वाले हैं। महिला जयवर्धन हमें एमआई की टीम के कोचिंग स्टाफ में नजर आने वाले के हेड कोच के तौर पर। तो मुंबई इंडियंस की टीम का भी फील्डिंग कोच ढूंढना है तो एमआई की टीम हमें फील्डिंग कोच ढूंढते हुए नजर आने वाली है। बस आपको क्या लगता है, एमआई की टीम को अपना फील्डिंग कोच किसे बनाना चाहिए? तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।